तक का काम यह है, आरोप लगाना सरकार। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं दक्षा, आप देख रहे हैं IVTV। बिहार में लेंसी सिंह के मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। आपको बता दें कि आज RJD की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि सरकार जो है वो लेंसी सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, और तो और नीतीश सरकार के जितने वादे हैं वो फर्जी हैं। जिस पर निशाना साधते हुए ललन सिंह का कहना है कि तेजस्वी का तो काम ही है कि सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, आप भी सुनिए। जी, माननीय विरोधी दल के नेता है, और माननीय विरोधी दल के नेता का काम ही है आरोप लगाना सरकार पर। बाकी कोई बिहार से तो उनको मतलब रहता नहीं, प्रवास में गए, प्रवास से वापस आए तो कुछ बोलेंगे, फिर प्रवास में चले जाएंगे। क्या बोला है उन्होंने, क्या नहीं बोला है, ये हमको पता नहीं, लेकिन उनका काम है सरकार पर बोलते रहना, तो बोलते रहे, वो सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, एक चीज बता देते हैं, हमने भी अखबार में देखा है, और उस घटना में किसका हाथ है नहीं हाथ है ये पुलिस जांच का विषय है, और पुलिस जांच, आरोप लगाना और जांच में साक्ष्य मिलना, ये पुलिस का काम है। जिनको आरोप लगाना है पुलिस के पास, साक्ष्य अगर है उनके पास तो वो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कोई भी क्राइम अगर होता है तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है ना, उसमें सरकार का कहां हस्तक्षेप है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 16 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, कभी उन्होंने पुलिस प्रशासन के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है, जबकि परिस्थिति एकदम विपरीत है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्वच्छ प्रशासन दिया है, कानून का राज, और कानून का राज मतलब कानून अपने ढंग से काम करती है, न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, अब देखना यह होगा कि इस मामले पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IVTV पर, हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, Facebook पर लाइक करिए, और Instagram और Twitter पर फॉलो करिए। धन्यवाद।